नहीं रहे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिलीप कुमार। 98 साल की उम्र में ट्रेजेडी किंग का हुआ निधन। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का बुधवार सुबह निधन हो गया। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के एक अस्पताल में सुबह करीब 7:30 बजे अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार की उम्र 98 साल थी। वो पिछले काफी समय से बीमार थे। पिछले एक महीने में ही दिलीप कुमार को 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिलीप कुमार के निधन के साथ ही हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बॉलीवुड के दिग्गजों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया है और इस दिग्गज कलाकार को अंतिम सलाम किया है। हम आपको बता दें, दिलीप कुमार को मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से उनके निधन की पुष्टि भी की गई। फिलहाल हमारी टीम की तरफ से भी दिलीप कुमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।